Hello everyone, I am your teacher for this question. Let's explain this question till now. The question says that an AC voltage source Q is equal to 200 root 2 sin 100 t is connected a circuit containing AC ammeter and a capacitor of capacitance 1 microfarad. The reading of ammeter is option A 10 milliampere, option B 20 milliampere, option C 14 milliampere, option D 18 milliampere. हमको given है EMF की इक्वेशन दे रखी है 200 root 2 sin 100 t एंड AC एमिटर कनेक्टेड है और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 1 माइक्रोफेरेड. हमको एमिटर की रीडिंग बतानी है. EMF की इक्वेशन ये है, कैपेसिटर में करंट पाई बाय 2 फेज से वोल्टेज से आगे रहती है. करंट आगे रहती है पाई बाय 2 फेज से. करंट का करंट फेज माइनस EMF फेज इज इक्वल टू पाई बाय 2. और आई आर एम एस करंट की आई आर एम एस की वैल्यू होती है वी आर एम एस अपॉन जेड. जेड की यहाँ पे वैल्यू होती है जेड इज इक्वल टू एक्स सी. और प्योरली कैपेसिटेंस के लिए एक्स सी इज रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर. रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी. हम यहाँ पे कंपेयर करें इक्वेशन को ईएमएफ की इक्वेशन को. ई इज इक्वल टू 200 रूट 2 साइन 100 टी. यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं ओमेगा की वैल्यू है 100 एंड सी आर आई सी एम को गिवन है 1 माइक्रोफेरेड इंटू दी पावर माइनस 6 एंड ओमेगा सी की वैल्यू हो जाएगी इंटू दी पावर माइनस 4 एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 4. एक्स सी की वैल्यू हमारे पास में आ गई है एंड अब आई आर एम एस निकाल लेते हैं. वी आर एम एस की वैल्यू होगी वी मैक्सिमम ऑन रूट टू. वी मैक्सिमम है वी मैक्सिमम हमको गिवन है 200 रूट टू ऑन रूट टू. मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 200 देन आई आर एम एस वैल्यू आएगी वी आर एम एस अपॉन एक्स सी. वी आर एम एस है 200 एंड एक्स सी की वैल्यू है 10 टू दी पावर 4 इसकी वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर. 20 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 एम्पियर मीन्स 20 मिली एम्पियर. यही एमीटर की रीडिंग होगी. हेंस ऑप्शन बी 20 मिली एम्पियर इज राइट आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.